बड़ी खबर मिल रही है, आपको रूबरू करवा दें। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आखिरी सांस ली। 99 साल की उम्र में शंकराचार्य का निधन हुआ, ये बड़ी खबर है। और दुखद खबर, द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे स्वरूपानंद सरस्वती, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है शंकराचार्य के निधन की। उनके शिष्य के लिए, उनके समर्थकों के लिए एक दुखद खबर, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अंतिम सांस उन्होंने ली है। 99 साल की उम्र में शंकराचार्य का निधन हो गया है। वे द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे स्वरूपानंद सरस्वती, और 99 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उनके तमाम शिष्य अब उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये दुखद संदेश जैसे ही उन तक पहुंचा, तुरंत वे आश्रम के लिए रवाना हुए हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये दुखद खबर मिल रही है, जहां उनकी तबीयत नासाज थी। शंकराचार्य स्वरूपानंद की उम्र ज्यादा थी और बढ़ती उम्र से संबंधित बीमार थे वे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उन्होंने अब अंतिम सांस ली है। और ब्रजेश राजपूत हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। जी ब्रजेश, और क्या जानकारी है? देखिए, स्वामी स्वरूपानंद जी का निधन आज दोपहर 3:30 बजे हो गया। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, और नरसिंहपुर के जो झोटेश्वर में उनका जो आश्रम था, झोटेश पीठ, वहाँ के अस्पताल में वो उनको उनकी निगरानी, उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही थी। और दोपहर में 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद उनके सारे शिष्यों को ये सब बारे में जानकारी दी जा रही है। उनका अंतिम संस्कार कब होगा, किस जगह होगा, इस सब के बारे में अभी पूरा जो आश्रम है, उनके लोग हैं, वो सारे लोग मिलकर तय करेंगे। मगर निश्चित ही इस समय वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु में से एक थे। उनकी उम्र 99 साल थी। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने तीजा के दिन अपना 99वां जन्मदिन मनाया था, और उसके बाद से लगातार उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि लग रहा था कि इतनी जल्दी हम सबको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस नेता पीछे दिग्विजय सिंह वहां गए थे, कमलनाथ उनसे मिलने गए थे, सब लोगों के साथ उनकी फोटो आए थे मिलते जुलते हुए। मगर वो चूंकि उम्र काफी हो गई थी, तो उनका स्वास्थ्य नरम गरम होता रहता था, और इस बीच में ये पर विदेश अंतिम क्रियाओं को लेकर जानकारी आज ही दी जाएगी। अंतिम क्रियाएं संभव है कि आज ही हो जाए या फिर कल तक इसको लेकर आगे बढ़ाया जाएगा? हाँ जी, आज तो फिलहाल कुछ होने से रहा, क्योंकि उनके पूरे देश और दुनिया में जो शिष्य मंडल हैं और शिष्य फैले हुए हैं, वो सब लोग उनके आने की कोशिश रहेगी, और इसकी उम्मीद की जा रही है कि जो उनका अंतिम संस्कार है कल ही होगा। और इस बारे में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, मगर इस बारे में विचार किया जा रहा है। फिलहाल तो सारे शिष्यों को इस बारे में खबर की जा रही है कि स्वामी जी का महाप्रयाण हो गया है, तो आप सब लोग यहाँ पहुंचिए। तो निश्चित ही अब वो सब तैयारियां की जा रही हैं, मगर इस बारे में कोई अंतिम फैसला अब तक नहीं हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपका ब्रजेश पूरी जानकारी के लिए। तो अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई जानकारी आश्रम की तरफ से जल्द ही दी जाएगी, कल तक ये संभव है। आज जितने भी उनके समर्थक, उनके अनुयायी हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे, उनका अंतिम दर्शन करेंगे, आखिरी बार शंकराचार्य को देख पाएंगे। लंबी बीमारी से वो ग्रसित थे, बीमार थे लंबे वक्त से, और 99 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, ये जानकारी ब्रजेश दे रहे थे। तमाम बीमारियों से ग्रसित वो चल रहे थे, और शंकराचार्य का 99 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके अनुयायी अब देश भर से वहां पर पहुंचेंगे MP के नरसिंहपुर में। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।